विलेज पॉटर मेकिंग क्ले दियास डेकोरेटेड दियास। विराजपुर नाम के गांव में जाशुआ नाम का एक कुम्हार रहता था। मिट्टी की जो भी वस्तुएं गांव वालों को जरूरत पड़ती थी वो सब ये बनाकर देता था। उस गांव के लोग अपना सेहत का खूब ख्याल रखते थे, इसलिए वो मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करते थे। दिवाली नजदीक आ रही थी तो वो गांव वालों के लिए मिट्टी के बने डेकोरेटेड दिए बना रहा था। यू वो दिए बनाकर लोगों के सामने डिस्प्ले में रखने लगा। लोगों को ये खूब अच्छा लगा। दूर दराज से भी लोग आकर उसके मिट्टी के दिए खरीदने लगे। इस तरह उसका धंधा खूब चलने लगा। एक दिन उस गांव के सरपंच के पास प्यारे नाम का एक व्यक्ति आया। प्यारे गांव के सरपंच से, सरपंच जी नमस्कार, आपके गांव के बारे में बहुत सुना है भाई, अखबार में भी आपके गांव के बारे में खूब पढ़ा है। मैं यहां पर स्टील और प्लास्टिक की दुकान खोलने के लिए आया हूं साहब। अगर आपने मुझे परमिशन दिया तो जो मुनाफा मैं कमाऊंगा उसमें 30% आपको दे दूंगा। गाँव का सरपंच, भाई कमाल है, इतने दिन तुम कहाँ थे? अब तो चुनाव भी नजदीक आने लगे हैं। मैं सोच रहा था कि पैसे कैसे कमाऊं। भाई तुम सही मौके पर आए हो। भाई ये सब तो ठीक है, अब मुझे करना क्या होगा ये तो बताओ। तब प्यारे, अरे कुछ नहीं सरपंच जी, बस आप इतना लोगों से कहिए कि वो जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, बस तब ऑटोमेटिकली लोग मेरे सामान खरीदना शुरू कर देंगे। सरपंच इसके लिए मान गया और जाशुआ के पास जाकर उससे मिट्टी के बर्तन कम बनाने के लिए कहने लगा। लेकिन जाशुआ नहीं माना। दिवाली नजदीक आने लगी तो लोग जाशुआ के पास आकर मिट्टी के बर्तन और दिए खरीदने लगे। जाशुआ के परिवार के सदस्य भी उसमें खूब मेहनत करके हाथ बटाने लगे। जब जाशुआ सरपंच की बात नहीं माना तब सरपंच ने अपने आदमियों को जाशुआ के दुकान भेजा और सारे मिट्टी के बर्तनों को तोड़ने फोड़ने के लिए कहा। सवेरे जब जाशुआ दुकान पर आया तो सारे मिट्टी के बर्तनों को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हुआ। तभी सोनू नाम का एक लड़का आया और उसने जाशुआ से कहा कि ये सब हरकत सरपंच के आदमियों ने किया है। ये सुनकर जाशुआ गुस्से में सरपंच के घर गया। उसने वहाँ पर खड़े सरपंच को, उसके आदमियों को, प्यारे को उछल उछल कर खूब मारा। सबको जमीन पर पटक कर जाशुआ सरपंच से, क्यों सरपंच, लगता है तुम भूल गए, एक वक्त था जब मैं भी गुंडा था। सुनो, चुपचाप मेरे जो भी सामान तोड़ा है उसको ठीक करके मुझे दे दो। दिवाली से पहले पहले ये सब तैयार करके मुझे देना होगा, वरना एक एक की ऐसी ठुकाई करूँगा बच्चों जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये बात सुनकर सरपंच और उसके आदमी डर गए। अगले दिन से वो आकर मिट्टी को रोंदने लगे और मिट्टी के वस्तु बनाने की खूब कोशिश करने लगे, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन बना नहीं पा रहे थे। तब जाशुआ उनको खूब मारने लगा और उनसे काम कराने लगा। यूं कई महीनों तक उन्हें खूब मार मार कर उनसे काम कराने लगा। गांव वाले हर रोज वहां आकर ये सब हैरान होकर देखने लगे। यूं कई दिनों तक मेहनत करके सरपंच ने एक मिट्टी का वस्तु बनाया। ये देखकर एक गांव वाला, भैया कुछ भी कहो, सरपंच जी का बनाया हुआ वस्तु है, मैं इसे 1000 रुपए में खरीदूंगा। लेकिन भैया जाशुआ, लोग दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं, तुम तो सरपंच और उसके आदमियों को फोड़ रहे हो, तुम बड़ा मजा आ रहा है। ये सुनकर सारा गाँव हंसने लगा। इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सरपंच और उसके आदमियों को 1 साल लग गया।